फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे आप लोग सब? आपका स्वागत है मेरे अनदर ब्लॉग में। आज मैं कुछ आपके लिए नया लेके आई हूँ और आप थंबनेल और टाइटल लेके आप समझ गए होंगे कि मैं आज आपसे क्या बात करने वाली हूँ। सही है कि आज हमारे टमी में जो लड़का है या लड़की, तो मैं लड़की के बारे में आज बात करने वाली हूँ। क्या सिम्टम्स है, क्या है कुछ, क्योंकि मुझे भी एक लड़की है, तो मैंने जो फील किया है मैं आपके साथ शेयर करने चाहती हूँ। जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक लड़का है या लड़की क्या आएगा, वो सब हमारे मन में चलता रहता है, क्या होगा क्या नहीं। तो हम सब मम्मियाँ सब यूट्यूब पे देखने लगते हैं, लड़का है तो क्या सिम्टम्स है, लड़की है तो क्या सिम्टम्स है। तो सब अपने अपने सिम्टम्स जो उनको फील हुआ है वो बताए होंगे, और मैंने जो फील किया है वो मैं बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद एक लड़की है, तो मैंने खुद जो फील किया है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और पहली बात बता देती हूँ, सबके सिम्टम्स अलग अलग होते हैं, नहीं कि सबके सेम नहीं होते हैं। जो सिम्टम्स मैंने फील किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हम लड़का है या लड़की ये जानना हमारी जिज्ञासा होती है, क्या होगा क्या नहीं। तो और लड़का लड़की में भेदभाव करना वो गलत है, ये याद रखना। और भगवान जो हमें देता है वो उनको पता है कि क्या देना चाहिए, तो वो स्वीकार लेना चाहिए, इसलिए कोई भेदभाव नहीं करना है। प्लीज़ ऐसा मत करिए या लड़का ही चाहिए वो मत आप रखिए, लड़की भी ठीक है, खुश रहिए। और चलो अभी पॉइंट पे आते हैं। मैंने क्या फील किया है, तो पहला मेरा सिम्टम्स है मॉर्निंग सिकनेस। तो मुझे सुबह सुबह उठते तब मॉर्निंग सिकनेस वॉमिटिंग जैसा कुछ होता है, 3 महीने लगातार ऐसे उठती थी तब वॉमिट होगी बट नहीं होती थी, ऐसा मन में होता है कि होगी बट नहीं होती। और खाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है 3 महीने तक, बाद में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो 3 महीने तक मुझे मॉर्निंग सिकनेस, सुबह सुबह उठो तो बहुत चिड़चिड़ापन भी होता था और थोड़ी उदास रहती थी, ऐसा कुछ था। तो मेरा मॉर्निंग सिकनेस ऐसा था कि थोड़ा थकावट भी होती थी, और 3 महीने तक तो मैं रात को भी सोती थी और दोपहर में भी सोती थी, नींद तो इतनी आती थी कि पूछो मत। और दूसरा है मेरा हेयर ग्रोथ मेरा अच्छे से, बहुत अच्छे से हुआ था, और बाल एक भी नहीं झड़े थे मेरे, बहुत ही अच्छे और स्मूथ हेयर ग्रोथ था मेरा तब। और हर पैरों में भी ग्रोथ बहुत नहीं हुआ था, बट सर के बाल में बहुत ही अच्छा मेरा ग्रोथ हुआ था। वो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही अच्छा मेरा ग्रोथ हुआ, अभी बहुत झड़ रहे हैं। और तीसरा है फेस ग्लो, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तब फेस ग्रोथ बहुत ही अच्छा था, और 3 महीने तक मेरा फेस थोड़ा डल था बट बाद में बहुत ही अच्छा ग्लो आया था। तो ये मेरा, किसी का होता है कि थोड़ा डल हो जाता है लड़की के टाइम पे, बट मेरा लड़की थी मेरे टाइम, बट मुझे स्किन प्रॉब्लम 3 महीने के बाद मेरा बहुत ही अच्छा ग्लो आया था। अभी मैं फ़ोटो रखूँगी, आप देख लेना कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ। और मेरा फोर्थ है फूड क्रेविंग, और खाने में मुझे बहुत तीखा भी नहीं, तीखा खाती थी तो मुझे यहाँ जलन हो जाती थी गले में, तो मैं तीखा नहीं खा सकती थी, थोड़ा बहुत नमकीन खा सकती थी बट मीठा बहुत ही खाती थी। पता नहीं, मैं प्रेगनेंसी, जब मेरी प्रेगनेंसी हुई तब मैं मीठा में टच भी नहीं करती थी, मुझे पसंद ही नहीं था मीठा, बट जब प्रेग्नेंट हुई तब मुझे मीठा इतना पसंद है, खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही मीठा खाती थी, सब्जी रोटी कुछ भी खाओ बट जब तक मीठा नहीं खाओ तब तक मेरा पेट ही नहीं भरता था। तो मैं बहुत मीठा खाई हूँ, तो ऐसा सही बोलते हैं कि जो मीठा ज़्यादा खाता है उसको लड़की होती है, तो ये मेरा सही निकला था। मेरा अभी है बेबी बम, और सब बोलते हैं कि बेबी बम होता है तो पूरा ये है चौड़े में, हमारा पेट जो होता है उसमें थोड़ा बढ़ जाता है, चौड़े में हो जाता है, और लड़का होते तो आगे होता है, बट मेरा चौड़ा भी नहीं हुआ था और मेरा थोड़ा आगे आगे साइड था, बहुत आगे नहीं भी, थोड़ा नॉर्मल था, इतना भी नहीं, और मेरा बॉडी फिगर जैसा था वैसा ही मेरा था, बट मुझे कोई, और पैरों में सूजन वाला मैं बता देती हूँ, मुझे पैरों में सूजन नहीं थी, 9 मंथ तक मेरे पैरों में सूजन नहीं आई थी। ये मुझे पता नहीं क्यों नहीं, सबके बहुत आती थी बट ये मेरा नहीं था, कि पैर बोलते हैं कि लड़की होती तो सूजन पैर सब सूज जाते हैं, बट मेरा नहीं हुआ था, ये मेरा गलत था।
अभी मेरा ये मैं जो फील कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये मेरा और फिफ्थ है लिनिया निग्रा मीन्स नाभि, जो यहाँ नाभि के जो लाइन आती है। हाँ सब बोलते हैं कि स्ट्रेट लाइन होती है नाभि के ऊपर पेट तक और नाभि के नीचे स्ट्रेट लाइन होती है तो लड़का। और फिफ्थ है नाभि के जो लाइन आती है लिनिया निग्रा, तो वो जो होता है वो स्ट्रेट मेरा था। सीधी नाभि के ऊपर भी स्ट्रेट था और नीचे भी स्ट्रेट था। तो ये है मेरा सिम्टम्स। और ये सब बोलते हैं कि टेढ़ा होता है तो लड़की होती है, वो मेरा गलत हो गया। मेरा स्ट्रेट है तो लड़की हुई है मुझे। और सिक्स सिम्टम्स है वेट, मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था। 65 जैसा 9 मंथ टोटल बता रही हूँ, 9 मंथ तक मेरा। और जब चेक करवाने जाती थी महीने महीने तो मेरा 2-2 किलो बढ़ रहा था। तो डॉक्टर बोला अच्छी बात है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा वेट भी नहीं है और कम भी नहीं, मीडियम पे था। तो मेरा वेट का कुछ प्रॉब्लम नहीं था। मेरा दूसरा है पिगमेंटेशन एंड डिसकलरेशन। तो वो है मेरा क्या था, मुझे पिगमेंटेशन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे सीधी लाइन थी और पैरों में ये हमारी जो होते हैं पैर, उसमें पीछे के साइड पूरी ब्लैक कलर की लाइन पड़ी थी मेरे। यहाँ हमारे नाभि पे कैसे ब्लैक लाइन, वैसे मेरे पैरों में भी ऐसे ही लाइन थी। तो ऐसा था मेरा। और दूसरा है स्लीप पोजीशन। तो मैं राइट साइड पे ज़्यादातर सोई हूँ। तो सब बोलते हैं कि राइट साइड सोना तो लड़का होता है, बट वो मुझे पता नहीं, पर मैं राइट साइड ज़्यादा सोई हूँ। और जब जिस साइड में सोने जाती थी बेबी उस साइड ही आ जाता था। तो बेबी मैंने जब बेबी टमी में घूमता था तो 5 महीने के बाद मुझे फील हुआ था कि पेट में वो मूवमेंट कर रहा है। तो मेरे 5 साढ़े 5 के बीच में ये मूवमेंट मैंने फील किया था। और हार्ट बीट, और लड़की का हार्ट बीट चेंज होते रहते हैं। तो और लड़के के चेंज नहीं, उनका एक ऐसा होता है, लड़की का होता है 140 बिलो, 140 के ऊपर होता है, 155 भी हो जाता है, 160 तक उसके अंदर ही रहता है और चेंज होता रहता है। तो वो लड़की के सिम्टम्स है, तो वो सही है मेरा। और एक दूसरा है निपल चेंज, निपल का कलर चेंज होता है। तो निपल का कलर चेंज होता है मीन्स ब्लैक हो जाता है। तो वो मेरा ब्लैक हो गया था। और कोई लोग बोल रहे हैं कि चेस्ट पे ऐसे बढ़ जाता है, एक छोटा एक बड़ा, तो ऐसा कुछ मेरा हुआ नहीं था, मेरा सब बराबर था। पर निपल का कलर थोड़ा चेंज हो गया था, ब्लैक जैसा दिख रहा था मेरा। और मैं एक आपको बात बता दूं कि ये जो मैं बता रही हूँ सबके अलग अलग होते हैं, सबके सेम नहीं होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैंने वो जो कहा वो सच ही कहा होगा। सबके अलग अलग फीलिंग होती है, सबका अलग अलग होता है, सबका हार्मोन चेंज होता है, तो सबका अलग अलग भी होता है। तो इस वजह से ये हमारी इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि क्या होता है ये। तो ये मैंने आपको बता दिया मेरे जो सिम्टम्स थे, मेरे जो फील किया था। बस आप आज के लिए बस इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलती हूँ। तो चलो टेक केयर, बाय, लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब।